आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीसी से रिलेटेड शॉर्ट एमसीक्यू के बारे में, जो कि एआईबीई के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, मतलब पीवाईक्यू हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो वो फिर आपके एग्ज़ाम में दोहराए जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस एलएलबी, बीएलएलबी, एआईबीई, जुडिशरी एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चैनल पर आप नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आता है? ऑप्शन है आपके सामने संज्ञेय और असंज्ञेय, बी है जमानती और अजमानती, सी है समन मामले और वारंट मामले, डी है उक्त सभी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, उक्त सभी, मतलब संज्ञेय और असंज्ञेय, जमानती अजमानती, समन मामले और वारंट मामले, ये सभी जो है दंड प्रक्रिया के अधीन ही आते हैं, है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा आपका। दूसरा क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 का के अधीन, बी है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 का के अधीन, सी है धारा 2 के अधीन और डी है धारा 2 के अधीन। तो संज्ञेय अपराध को धारा 2 में परिभाषित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है, तो ए है धारा 2 का, बी है धारा 2 अंगा, सी है धारा 2 और डी है धारा 2। तो असंज्ञेय अपराध को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अधीन असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, जमानती अपराध में जमानत अधिकार के रूप में मंजूर की जाती है? ऑप्शन है आपके सामने पुलिस अधिकारी द्वारा, बी है न्यायालय द्वारा, सी है पुलिस अधिकारी और न्यायालय दोनों द्वारा, डी है या तो ए या बी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, पुलिस अधिकारी और न्यायालय दोनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, परिवाद जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अधीन उपबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके सामने, केवल लिखित में हो सकता है, बी मौखिक हो सकता है, सी या तो लिखित या मौखिक, डी संकेत द्वारा हो सकता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, या तो लिखित या मौखिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है, तो किस धारा के अधीन? देखिए ऑप्शन हैं आपके सामने, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 56 के अधीन, फिर बी है धारा 57 के अधीन, फिर सी है धारा 58 के अधीन और डी है धारा 59 के अधीन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, धारा 57 के अधीन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 लागू नहीं होती है? तो ऑप्शन है आपके सामने भाई, परिवादी को, बी है अभियुक्त को, सी है साक्षी को, डी है उस व्यक्ति को जो ना तो परिवादी, ना ही अभियुक्त, ना ही साक्षी है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, अभियुक्त को। क्वेश्चन नंबर 8, का ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षी से किए गए प्रश्न का उत्तर देने से इनकार किया था, यह अपराध है? तो ये भारतीय दंड संहिता से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो ऑप्शन है आपके सामने, भारतीय दंड संहिता की धारा 176 के अधीन,
बी है भारतीय दंड संहिता की धारा 179 के अधीन, सी है भारतीय दंड संहिता की धारा 187 के अधीन, डी है ना तो ए ना तो बी और ना तो सी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 179 के अधीन। क्वेश्चन नंबर 9, अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण के दौरान साक्षी के कथनों को अभिलिखित करता है। तो ऑप्शन है आपके सामने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अधीन, बी है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अधीन, सी है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन, डी है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण के दौरान साक्षी के कथनों को अभिलिखित करता है। क्वेश्चन नंबर 10, साक्षी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान लिखित में अभिलिखित किया गया है और कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है जो उल्लंघन में है। तो ऑप्शन है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161(2) के अधीन, बी है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161(3) के अधीन, सी है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161(1) के अधीन, डी है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162(2) के अधीन। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161(1) के अधीन। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल पर आप नए आए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।